रहमान रहीम, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी टॉपिक ऑफ स्पेशल पैथोलॉजी। ये वो टॉपिक है जिनकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि आपने इन टॉपिक्स को सेव कर लेना है, इसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो पैथोमा बेस्ड वीडियो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम की डेफिशिएंसी है तो हम जल्दी जल्दी लेकर चले गए। सबसे पहला टॉपिक है हमारा गैस्ट्राइटिस जीआईटी में। तो गैस्ट्राइटिस दो टाइप का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में एसिडिक डैमेज होता है टू द स्टोमक म्यूकोजा ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन म्यूकोजल डिफेंसिस एंड द एसिडिक इन्वायरमेंट। डिफेंसिस के अंदर म्यूसिन लेयर है जो कि फोवियोलर सेल प्रोड्यूस करते हैं, बाइकार्बोनेट सीक्रेशन जो कि सरफेस एपिथेलियम प्रोड्यूस करते हैं, लास्ट में नॉर्मल ब्लड सप्लाई जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है और एसिडिक लीकर को पिकअप कर लेती है। रिस्क फैक्टर के अंदर सीवियर बर्न आ जाता है, इंपॉर्टेंट इंट्राक्रेनियल प्रेशर और शॉक आ जाएगा। अगर बर्निंग की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए तो उसको बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग अल्सर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से अल्सर आ जाए उसको बोलते हैं कुशिंग अल्सर, और शॉक की वजह से अल्सर आ जाए उसको बोलते हैं स्ट्रेस अल्सर। अब इसका मैकेनिज्म है कि सीवियर बर्न की वजह से हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से वेगल स्टिमुलेशन होती है, वेगल स्टिमुलेशन की वजह से एसिड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। बाकी एनसेड, अल्कोहल कंजप्शन, कीमोथेरेपी और शॉक को आपने देख लेना है। अब एसिड डैमेज की वजह से या तो सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन हो सकती है या फिर लॉस ऑफ सुपरफिशियल एपिथेलियम है या लॉस ऑफ म्यूकस लेयर है जिसको अल्सर बोलते हैं। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, इसकी दो एटियोलॉजी है, ऑटोइम्यून और दूसरा हमारा आएगा एच पायलोरी। तो जो ऑटोइम्यून होता है, ऑटोइम्यून ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक पैराइटल सेल होते हैं जो कि बॉडी और फंडस के अंदर होते हैं, जबकि एच पायलोरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस बॉडी और फंडस को इन्वॉल्व करता है, एच पायलोरी वाला एंट्रम को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, इसमें जो एंटीबॉडीज होती है अगेंस्ट द पैराइटल सेल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हम डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में जो पैथोजेनेसिस होती है वो T4 की वजह से होती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी टी सेल की वजह से होती है। क्लिनिकल फीचर में एट्रोफी होती है म्यूकस की विद इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। ओके, और जब इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होता है तो फिर कौन सा टाइप का कैंसर होगा, हमारा इंटेस्टिनल टाइप का कैंसर हो जाएगा जो कि इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया की वजह से, जो एच पायलोरी हमारा ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकती है। तो नंबर 1 एट्रोफी ऑफ म्यूकोजा, नंबर 2 एकोलोरिडिया विद इंक्रीज गैस्ट्रिन लेवल एंड एंट्रोजी सेल हाइपरप्लेजिया, नंबर 3 मेगालोब्लास्टिक या पर्निशियस एनीमिया ड्यू टू लैक ऑफ एंट्रोजी फैक्टर, नंबर 4 गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा खासतौर पर इंटेस्टिनल टाइप का। एच पायलोरी की वजह से क्या होगा, एच पायलोरी क्या करेगा, यूरिएस और प्रोटीएज प्रोड्यूस करेगा। ओके, वो क्या करते हैं हमारे म्यूकोजल डिफेंस को वीक कर देते हैं खासतौर पर एंट्रम की जगह पर। तो उसमें क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन होगा, अल्सरेशन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज आगे मजे दो टाइप का होता है, ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं मोस्टली ये एच पायलोरी की वजह से होते हैं, लेकिन ड्यूडिनल अल्सर ज्यादातर 90% केसेस में एच पायलोरी की वजह से होते हैं। बाकी गैस्ट्रिक अल्सर एनसेट की वजह से या बाइल रिफ्लक्स की वजह से भी हो सकते हैं। ओके, तो एच पायलोरी की वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाएगा, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा खासतौर पर इंटेस्टिनल टाइप का, और लास्ट में माल्टोमा भी हो सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर ट्रिपल थेरेपी आ जाती है, यहाँ पर ड्रग आपने तैयार नहीं करनी। ओके, तो इसमें एक चीज है जो है नेगेटिव यूरिया ब्लड टेस्ट और लास्ट में लैक ऑफ स्टूल एंटीजन, इससे पता लगेगा कि एच पायलोरी को आपने खत्म कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या होता है, सॉलिटरी म्यूकोजल अल्सर होता है। ओके, या तो प्रोक्सिमल ड्यूडिनम में होगा, डिस्टल स्टोमक में होगा। अगर प्रोक्सिमल ड्यूडिनम में या फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में है उसको बोलेगा ड्यूडिनल अल्सर, या फिर डिस्टल स्टोमक में उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलेगा। ड्यूडिनल अल्सर एच पायलोरी की वजह से या फिर जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। इसमें आप गैस्ट्रिक पेन होगा जो कि इंप्रूव हो जाएगा मील से, इसको नोट करना, इंप्रूव विद अ मील। लेकिन यहाँ पर जो आप गैस्ट्रिक पेन है वो मील से इंप्रूव नहीं होगा बल्कि मील से मजीद खराब हो जाएगा। डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी में आपको अल्सर मिलेगा विद हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेनर ग्लैंड होते हैं, एंटीरियर ड्यूडिनम में होता है। अगर पोस्टीरियर ड्यूडिनम में हो तो रप्चर होगा। ओके, रप्चर की वजह से गैस्ट्रिक ड्यूडिनल आर्टरी से ब्लीडिंग होगी या एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होगा। क्लियर, रप्चर ऑफ पोस्टीरियर ड्यूडिनम। इसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर एच पायलोरी के अलावा एनसेट की वजह से बाइल रिफ्लेक्स की वजह से भी हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एपिगैस्ट्रिक पेन है जो कि मील से खराब होना शुरू हो जाएगा। अल्सर लेजर कर्वेचर एंट्रम के अंदर होता है, और अगर रप्चर होगा तो ब्लीडिंग कौन सी आर्टरी से होगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जबकि ऊपर हमने पढ़ा था गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी से होती है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अल्सर है, अल्सर आगे दो टाइप का होता है, बिनाइन पेप्टिक अल्सर हो सकता है, मलिग्नेंट हो सकता है, ड्यूडिनल अल्सर हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं। जो ड्यूडिनल अल्सर है वो कभी भी मलिग्नेंट नहीं होगी, यानी जो गैस्ट्रिक अल्सर है ना वो हमारे हो सकते हैं मलिग्नेंट, लेकिन ड्यूडिनल वाले कभी भी मलिग्नेंट नहीं होगी, बिनाइन होती है। गैस्ट्रिक अल्सर आगे बिनाइन हो सकते हैं, पेप्टिक और मलिग्नेंट हो सकते हैं। जो बिनाइन पेप्टिक अल्सर है स्मॉल होती है, 3 सेंटीमीटर से कम होगी, शार्पली डिमार्केटेड होगी, जिसको पंच आउट लीजन बोलते हैं, और रेडिएटिंग फोल्ड ऑफ म्यूकोसा। जबकि मलिग्नेंट अल्सर की निशानी है कि लार्ज होती है, इररेगुलर होती है, विद अ हीप्ड अप मार्जिन होती है, और बायोप्सी आपको रिक्वायर्ड होती है फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा क्या होता है, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ सरफेस एपिथेलियल सेल, इसको दो में डिवाइड करते हैं, इंटेस्टिनल और डिफ्यूज टाइप। जो इंटेस्टिनल ज्यादा कॉमन होता है, डिफ्यूज ज्यादा कॉमन नहीं होता। इंटेस्टिनल में लार्ज इररेगुलर अल्सर विद अ हीप्ड अप मार्जिन, वो ऊपर वाली बात है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, सिग्नल रिंग सेल होती है जो कि डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेट करते हैं स्टोमक वाल को। डिस्मोप्लेजिया होगा जिसकी वजह से लिनाइटिस प्लास्टिका हो जाएगा, लाइनिंग ऑफ द स्टोमक वाल क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी।
जो इंटेस्टिनल टाइप होता है ये तीन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर एम्यूमोनिक है एमएनए, एम से मेटाबोलिज्म, इंटेस्टिनल मेटाबोलिज्म लाइक एच पायलोरी, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से, नाइट्रोसामिन जो कि स्मोक फूड में होती है वो ब्लड टाइप ए की वजह से हो सकता है, जबकि हमारा जो होता है डिफ्यूज वाला ये इन तीनों की वजह से नहीं होता। जबकि जो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के जो सिम्टम है ना, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें रट्टा मारने, एक है केनथोसिस नाइग्रिकन और दूसरा होता है लेजर ट्रीलेट साइन। लेजर ट्रीलेट साइन के अंदर आपको मल्टीपल सिबोरिक केराटोसिस देखने को मिलती है, ओके। और ये अगर लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करे तो उसको बोलते हैं विशु नोड, अगर ये पेरिम्ब्लाइकल रीजन को इन्वॉल्व करे तो उसको बोलते हैं सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, जो कि इंटेस्टिनल की वजह से होता है और डिफ्यूज की वजह से आपको बाइलेटरल ओवेरियन ट्यूमर देखने को मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रुकनबर्ग ट्यूमर। तो ये तो हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है मैल अब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक। मैल अब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक पैथोमा के अंदर इतना अच्छे से दिया हुआ नहीं, लैक्टोज इंटॉलरेंस दिया हुआ तो उसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं सिलिक डिजीज। ये सिलिक डिजीज है तो सिलिक डिजीज क्या होता है, इम्यून मीडिएटेड डैमेज होता है वो स्मॉल बोवल विलाई ड्यू टू ग्लूटिन एक्सपोजर, खासतौर पर वीट बार्ली राई में होता है, ओके। और जो मोस्ट पैथोजेनिक कंपोनेंट होता है वो गिलियाडिन होता है, ओके। तो ये इम्यून मीडिएटेड डैमेज होता है किसका, स्मॉल बोवल की विलाई का ड्यू टू ग्लूटिन एक्सपोजर, खासतौर पर एच एल ए डी क्यू टू और एच एल ए डी क्यू एल डी क्यू एट की वजह से हो सकता है। अब इसका पैथोजेनिस लिखिए कि सबसे पहले आपने ग्लाइडिन लिया वीट की फॉर्म या ग्रेन्स की फॉर्म में, तो ग्लाइडिन की डीएमाइनेशन होगी, कौन करेगा, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगी। जो डीएमाइडेटेड ग्लाइडिन होता है वो प्रेजेंट करेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वाया एमएससी क्लास टू मॉलिक्यूल, और हेल्पर टी सेल क्या करेगा, टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देगा। क्लिनिकल फीचर के अंदर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डायरिया और फेलियर टू थ्राइव आ जाएगा। एडल्ट के अंदर क्रॉनिक डायरिया, ब्लॉटिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्मॉल हर्पीस लाइक फिजिकल भी देखने को मिल सकते हैं स्किन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड डर्मेटाइटिस हर्पिटाफॉर्म, ये भी आपको सिलिक डिजीज में देखने को मिलती है। क्यों होती है, क्योंकि आईजीए की डेपोजिशन देखने को मिलती है द टिप ऑफ डर्मल पैपिले, और ग्लूटेन फ्री डाइट से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर आपको आईजी एंटीबॉडी देखने को मिलेगी अगेंस्ट द एंडोमाइसियम, टीटीजी या ग्लियाडिन इसके खिलाफ। इसके अलावा आईजीजी एंटीबॉडी भी होती है, आप आईजीए डेफिशिएंसी वाले पेशेंट के अंदर यूज करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, आईजीए होती है। आईजीए एंडोमाइसियम के खिलाफ होती है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस के खिलाफ होती है, या फिर ग्लियाडिन के खिलाफ होती है, या आईजीजी भी हो सकती है। ड्यूडिनल बायोप्सी करोगे तो ड्यूडिनल बायोप्सी के अंदर आपको ब्लाई की फ्लैटिंग देखने को मिलती है, हाइपरप्लेजिया ऑफ क्रिप्ट देखने को मिलता है, इसके अलावा इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस देखने को मिलता है। जो डैमेज होता है सबसे ज्यादा ड्यूडिना में होता है, जुजिना में होता है, सबसे ज्यादा वैसे ड्यूडिना में होता है, जुजिना में भी हो सकता है लेकिन ये रिलेटिवली लेस इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट दोगे तो ये सिम्टम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसकी दो कॉम्प्लिकेशन के अंदर टी सेल लिम्फोमा और स्मॉल बोवल कार्सिनोमा आ जाएगा, ओके ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रॉपिकल सिफ्रू। ट्रॉपिकल सिफ्रू क्या होता है, डैमेज होता है स्मॉल बोवल विलाई, लेकिन ये अननोन ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, रिजल्टिंग इन मैलअब्सॉर्प्शन। अब इसका डिफरेंस क्या होती है, ये जो ट्रॉपिकल सिफ्रू होता है किसी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर होता है, फॉर एग्जाम्पल कैरिबियन में होता है, ओके। अराइज आफ्टर इन्फेक्शियस डायरिया, पहले इन्फेक्शियस डायरिया होगा, एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करता है, और जो डैमेज होता है सबसे ज्यादा जुजिना और आइलिया में होता है, जिसकी वजह से विटामिन बी ट्वेल्व की या फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है। जबकि सिलिक डिजीज में किसको ज्यादा इन्वॉल्व करते थे, वो ज्यादा इन्वॉल्व करता था ड्यूडिनम वाले पार्ट को। तो हमने गैस्ट्राइटिस पढ़ लिया, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया, मैल अब्सॉर्प्शन थोड़ा बहुत देख लिया, ओके। इसके अलावा गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा हो गया, सिलिक डिजीज हो गया। अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, एक तो तीन रह गया, बल्कि इसोफेजियल एडिनो कार्सिनोमा भी बता रहे हैं। तो जो इसोफेजियल एडिनो कार्सिनोमा, सॉरी इसोफेजियल कार्सिनोमा, को दो में डिवाइड करते हैं, एडिनो कार्सिनोमा को स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन वैरायटी होती है वेस्ट के अंदर, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में बात करें तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है। जो एडिनो कार्सिनोमा होता है बेल्ट इसोफेगस से निकलता है, तो लोअर वन थर्ड को इन्वॉल्व करता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा अपर वन थर्ड या मिडिल वन थर्ड से निकलता होता है। इसकी जो रिस्क फैक्टर अल्कोहल, टोबैको, वेरी हॉट टी, इक्लेजिया, इसोफेजियल वेब लाइक पार्ट, प्लमर वंसन सिंड्रोम, इसोफेजियल इंजरी लाइक लाइन इंजेक्शन आ जाएगा। क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या होगा, डिस्फेजिया होगा, पहले सॉलिड पे लिक्विड की तरफ होगा, वेट लॉस, हेमेटोमेसिस होगा। बाकी जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हॉर्सनेस वाइस करवा सकता है या कफ करवा सकता है। आगे इनके लिम्फ नोड मेटास्टेसिस है, अपर वन थर्ड वाले सर्वाइकल में जाते हैं, जो मिडिल वन थर्ड वाले होते हैं मीडियास्टिनल या ट्रैक्टिव ब्रोंकियल, और लोअर वन थर्ड वाले इसलिए कि गैस्ट्रिक लिम्फ नोड इन्वॉल्व करते हैं। और लास्ट हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्या होता है, ये क्रॉनिक रिलैप्सिंग इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है बोवल की ड्यू टू एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू द एंटायर फ्लोरा। ये आपको यंग वुमन में देखने को मिलता है टीन 30 ड्यू टू रिकरेंट बाउट ऑफ ब्लडी डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन होता है। अब इसके दो टाइप होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा होता है हमारा क्रोन डिजीज होता है। एक बार देख लेना कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है स्मोकिंग से बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन जो क्रोन डिजीज है ये स्मोकिंग से एग्रेवेट हो जाता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के म्यूकोसल और सब म्यूकोसल अल्सर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रोन डिजीज में फुल थिकनेस ट्रांस म्यूरल अल्सर होते हैं विद नाइफ लाइक फिशर्स। अब इसकी लोकेशन क्या है, इसकी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है रेक्टम में होता है, और ये प्रॉक्सिमली एक्सटेंड करता है अप टू द लेवल ऑफ सीकम। इन्वॉल्वमेंट इसकी कंटिन्यूस होती है, बाकी किसी पार्ट को नहीं छेड़ता, लेकिन ये माउस लेकर किसी भी पार्ट में हो सकता है, माउस लेकर एनस तक, लेकिन ज्यादातर इन्वॉल्व करता है टर्मिनल आइलियम को, ओके। और इसमें आपको स्किप लियन देखने को मिलती है। इसके जो सिप्टम है लाइक लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन है, यानी यहाँ पे रेक्टम पड़ा हुआ है विद ब्लडी डायरिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन है नॉन ब्लडिंग डायरिया।
इसके बाद इन्फ्लेमेशन है, इसमें क्रिप्ट एब्सेस विद न्यूट्रोफिल है, जबकि इसमें आपको नजर आएगा लिम्फोइड एग्रीगेट विद ग्रैनुलोमा देखने को मिलेगा, यानी इसमें कोई ग्रैनुलोमा नहीं होगा। ग्रोथ ऑफ एरिया के बारे में बात करें, इसमें सूडो पॉलिप होती है, लॉस ऑफ होस्ट्रो जिसकी वजह से लेड पाइप रिजिडिटी, जबकि यहाँ पे कोबलस्टोन बैफिल है, क्रीपिंग फैट स्ट्रक्चर और स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटर देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन में टॉक्सिक मेगाकोलन और कैंसर आ जाएगा, जबकि इसमें मैलअब्सॉर्प्शन विद न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, कैल्शियम ऑक्सलेट, नेफ्रॉन इफ्थियासिस, फिस्टुला फॉर्मेशन, कैंसर हो सकता है। एक्सटेंटिशनल फाइंडिंग के अंदर इन दोनों के अंदर सिमिलर है, लाइक आर्थराइटिस हो सकता है, फॉर एग्जांपल एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सैक्रोइलाइटिस हो गया, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस हो गया, यूवाइटिस हो गया, ओरिथिमा नोडोजम, पायोडर्मा गैंग्रीनोजम और प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलनजाइटिस और पीएन का। जबकि स्मोकिंग इसको प्रोटेक्ट करती है, स्मोकिंग इसको एग्रेवेट कर देती है। अब एक चीज़ रह गई वो है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस पड़ लेती है इन्फ्लेमेशन इन द हेमरेज ऑफ पैनक्रियास होता है। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन उसकी प्रीमैच्योर एक्टिवेशन हो जाती है, वो दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और ये एंजाइम पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमा को आउट डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें रट्टा मार लेना कि पैनक्रियास के लिए को इफेक्टिव हेमरेजिक नेक्रोसिस होगी, लेकिन जो पैरी पैनक्रियाटिक फैट उसकी फैट नेक्रोसिस होगी, पैनक्रियास की लिए को इफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। अब इसके जो रिस्क फैक्टर या एटियोलॉजी है वो अल्कोहल या गॉल स्टोन है, अल्कोहल या गॉल स्टोन का फिर रट्टा मारना, बाकी ट्रॉमा, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरलिपिडिमिया, ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर के अंदर आप गैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन है जो कि बैक की तरफ रेडिएट करेगा, नोजी, वॉमिटिंग, पैरी एम्ब्लाइकर और फ्लैंक हैमरेज है, जिन्हें जो नेक्रोसिस है ना पैरी एम्ब्लाइकर सॉफ्ट टिश्यू और रिट्रोपेरिटोनियम की तरफ एक्सटेंड कर जाती है। और आपको दो एंजाइम ज्यादा देखने को मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम लाइपेज और लास्ट में आपको हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि जो कैल्शियम यूज हो गया ड्यूरिंग द सपोनिफिकेशन इन द फैट नेक्रोसिस। एक बार देख लेना, हाइपरकैल्सीमिया ने इसको इनिशिएट कराया था, एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया था, लेकिन हाइपोकैल्सीमिया या कैल्शियम यूज हो गया तो वो हाइपो में कन्वर्ट हो गया। कॉम्प्लिकेशन के अंदर शॉक हो सकता है ड्यू टू पैडी पैनक्रियाटिक हेमरेज और फ्लूइड सेक्वेस्ट्रेशन। नंबर टू, पैनक्रियाटिक सुडोसिस्टा के जो फाइब्रस टिश्यू है सराउंडिंग द ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। अब इसमें क्या होगा, एब्डोमिनल मास होता है विद इंक्रीज अमाइलेज एंजाइम है, और रप्चर होगा तो रप्चर की वजह से एंजाइम एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज हो जाती है, तो इसमें जो फाइब्रस टिश्यू है वो ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस को पैनक्रियाटिक एंजाइम को सराउंड करना शुरू कर देगा। लास्ट में पैनक्रियाटिक एब्सेस जो कि ईकोलाई की वजह से हो सकती है, और डीआईसी क्या, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, और ईआरडीएस क्या, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये भी कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ सकते होते हैं। ओके, लीवर में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा का बताया, हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ हिपेटोसाइटस, के रिस्क फैक्टर के अंदर क्रॉनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस और एफ्लाटॉक्सिन आ जाती है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में सी हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, सिरोसिस, अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक रिलेटेड फैटी लीवर डिजीज और दूसरी मेटाबॉलिक डिजीज लाइक हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन डिजीज, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, और लास्ट में एफ्लाटॉक्सिन बी एस्पर्जिलस की वजह से, जिसकी वजह से P53 म्यूटेशन हो सकती है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसकी की वजह से ना बुट चेरी सिंड्रोम हो सकता है। बुट चेरी सिंड्रोम में क्या है कि हेपेटिक वेन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और हेपेटिक वेन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लीवर की इन्फेक्शन हो जाएगी, और पेशेंट प्रेजेंट करेगा पेनफुल हेपेटोमेगालियोसाइटिस के साथ। जो ट्यूमर्स है उसके लिए जो ट्यूमर मार्कर है वो हमारा अल्फा फेटोप्रोटीन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस, खासतौर पर हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस बी को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, कोशिश कर लेते हैं। हेपेटाइटिस बी की पारेंटरल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलती है, लाइक चाइल्ड बर्थ हो गया, इंट्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, इंट्रावीनस ड्रग यूजर या रीडल स्टिक इंजरी, इसकी वजह से एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, लेकिन ये 20% केसेस में देखने को मिलता है। ज्यादातर जो क्रॉनिक डिजीज होता है ना वो हमारा हेपेटाइटिस सी की वजह से होता है। अब जो हेपेटाइटिस बी, इसके कुछ सीरोलॉजिकल मार्कर लाइक हमारे सरफेस एंटीजन है, सरफेस एंटीजन के खिलाफ हमारी एंटीबॉडी होती है, लास्ट में HBEG होता है और HBE क्लियर, तो ई के खिलाफ एंटीबॉडी आ गया। अब एक बात देख लेना कि ये जो HBE एंटीबॉडी है हर एक फेज में होगी, चाहे वो एक्यूट है, चाहे वो विंडो है, चाहे वो क्रॉनिक है, या वो इम्यूनाइजेशन है। एक्यूट, विंडो और क्रॉनिक हमने फोकस करना है, ठीक है। तो जब HBsAg मौजूद होगा तो HBsAb नहीं होगी, यानी जब एंटीजन होगा तो उसकी एंटीबॉडी नहीं होगी, ओके। और अगर ये दोनों ना हो तो उसको बोलते हैं विंडो फेज, यानी अगर एंटीजन मौजूद है एक्यूट में या क्रॉनिक में मौजूद है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट सीरोलॉजिकल मार्कर टू राइज तो एक्यूट में आएगा, जबकि क्रॉनिक में 6 महीने से ज्यादा होता है वो क्रॉनिक स्टेट है, लेकिन ये सरफेस एंटीबॉडी नहीं आ रही, और रिजॉल्व का मतलब है कि हमारी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी IgG आ गई है, ठीक हो गया, ये बात रट्टा मार लेनी है। और बाकी ये जो एंटीबॉडी है ना ये वाली, ये हर एक फेज में मौजूद होगी, लाइक रिजॉल्व के अंदर और क्रॉनिक के अंदर IgG, जबकि एक्यूट और विंडो के अंदर IgM होती है, ओके। अब जो वायरल हेपेटाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर पैनक्राइमा जो कि हेपेटाइटिस वायरस की वजह से हो सकती है। हेपेटाइटिस वायरस हिपेटोट्रॉपिक और नॉन हिपेटोट्रॉपिक है, नॉन हिपेटोट्रॉपिक के अंदर एब्स्टीन बार वायरस और साइटोमेगालो वायरस आ जाएगा। हेपेटाइटिस वायरस होती है एक्यूट हेपेटाइटिस कहलाती है, जो कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस की तरफ जाता है। अब एक्यूट हेपेटाइटिस में क्या होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस में आपको जॉन्डस देखने को मिलता है। अब जॉन्डस में क्या होगा, मिक्स्ड कंजुगेटेड बिलिरुबिन और अनकंजुगेटेड, यानी आपको हिपेटिक जॉन्डस देखने को मिल रहा है। डार्क कलर यूरिन होगा ड्यू टू कंजुगेटेड बिलिरुबिनिया, फीवर, मलेस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, खासतौर पर ELT का लेवल रिलेटिवली ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर AST का लेवल ज्यादा होता तो वो अल्कोहलिक रिलेटेड फैटी लीवर डिजीज बन जाएगा। अब यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन होती है ये लोब्यूल्स ऑफ लीवर को इन्वॉल्व करती है और पोर्टल ट्रैक को इन्वॉल्व करती है। इसमें क्या होगा, आपका प्रोसेस हेपेटोसाइट हो जाएगा, ओके। और जो सिम्टम होती है 6 महीने से कम होती है, अगर सिम्टम 6 महीने से ज्यादा होता है उसको क्रॉनिक कहते होती है। अब ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, ये इन्फ्लेमेशन किसको इन्वॉल्व करती थी, लोब्यूल्स को इन्वॉल्व करती थी। यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है वो सिर्फ पोर्टल ट्रैक को इन्वॉल्व करेगी और ये सिरोसिस की तरफ
प्रोग्रेस कर जाएगा। तो ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिरोसिस। सिरोसिस क्या होता है? सिरोसिस द एंड स्टेज लीवर डैमेज। जिस तरह हमारा एंड स्टेज रीनल डैमेज होता है, एक है एंड स्टेज लीवर डैमेज है, कैरेक्टराइज बाय द डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल हेपेटिक पैरेन्काइमा। की जो नॉर्मल हेपेटिक पैरेन्काइमा की डिसरप्शन हो गई है, कैसे, किसने की है? बाय बैंड ऑफ फाइब्रोसिस एंड द रीजनरेटिव नोड्यूल ऑफ हेपेटोसाइट। तो दो चीजें आएगी, एक रीजनरेटिव नोड्यूल ऑफ हेपेटोसाइट और दूसरा बैंड ऑफ फाइब्रोसिस आ जाती है। जो फाइब्रोसिस है वो हमारे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की वजह से होती है, जो कि स्टीलेट सेल से प्रोड्यूस होती है। स्टीलेट सेल कहां पे होते हैं? स्पेस ऑफ डिस्क के अंदर मौजूद होते हैं। क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या होता है? क्लिनिकल फीचर में पोर्टल हाइपरटेंशन है। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा? साइटिस होगा, फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी है, कंजेस्टेड स्प्लेनोमेगैली, हाइपरसेप्लिनिज्म हो सकता है, पोटोसिस्टेमिक शंट है। पोटोसिस्टेमिक शंट की वजह से इसोफेजियल वैरेसिस, हेमोरॉइड और कैपेट मर्दूसी हो सकती है। लास्ट में हेपेटोरिनल सिंड्रोम है। हेपेटोरिनल सिंड्रोम में क्या होता है? रीनल फेलियर हो सकता है ड्यू टू सिरोसिस। अगर ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से मेंटल स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू हाइपर अमोनीमिया, अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर? मेटाबॉलिक होता है, रिवर्सिबल होता है, मेंटल स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी, एस्टेरेक्सिस होगा और कोमा भी जा सकता है बंदा। और इसके अलावा अगर हाइपर एस्ट्रोनिज्म हो जाएगा तो उसकी वजह से पाल्मर रिथिमा हो जाएगा, स्पाइडर एंजियोमेटा हो जाएगा और गायनेकोमास्टिया हो जाएगा और लास्ट में जोटस भी आ जाएगा। डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से हाइपो एल्ब्यूमिनोमिया हो जाएगा और कोएगुलोपैथी ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, और इसको देखने के लिए हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम यूज करते हैं। ये भी हो गया। अब इसके बाद नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है। अल्कोहलिक का नहीं, नॉन अल्कोहलिक का लिखा हुआ है, तो नॉन अल्कोहलिक को देख लेते हैं। नॉन अल्कोहलिक में वही फैटी चेंज यानी जिसको सीटोसिस कहते हैं, हेपेटाइटिस और सिरोसिस होता है विदाउट एक्सपोजर टू द अल्कोहल होती है, ओबेसिटी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से होता है। इसमें एएलटी ज्यादा होता है ईएसटी से, जबकि अल्कोहल रिलेटेड फैटी लीवर डिजीज के अंदर डैमेज होता है हेपेटिक पैरेन्काइमा का ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अल्कोहल है। अब इसमें तीन चीजें होती है, नंबर वन फैटी लीवर, नंबर टू अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और नंबर थ्री सिरोसिस होती है। जो अल्कोहलिक फैटी लीवर है इसमें क्या होता है कि फैट की एक्युमुलेशन होती है हेपेटोसाइट के अंदर, जिसमें हेवी ग्रीजी लीवर देखने को मिलता है रिजॉल्व विद एब्सटेनेंस। इसमें मतलब अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो कि केमिकल इंजरी की वजह से होता है, खासतौर पर बिंज ड्रिंक की वजह से और एस्टरडिहाइड की वजह से होता है। इसमें होता है कि पहले हेपेटोसाइट की स्वेलिंग होती है, फिर इसके बाद आपकी मेलोरी बॉडीज की फॉर्मेशन होती है। मेलोरी बॉडी क्या होती है? साइटोकेरेटिन फिलामेंट जो कि डैमेज हो गई है, फिर नेक्रोसिस हो जाएगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, पेनफुल हेपेटोमेगैली हो रही है, एसटी के अलावा स्पेसिफिकली काफी ज्यादा होता है। तो हमने लीवर का हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हेपेटाइटिस को कॉजेस ऑफ जॉन्डस, कॉजेस ऑफ जॉन्डस आ गया। ओके, कॉजेस ऑफ जॉन्डस ये वाला टेबल वो कह रहे हैं। तो जो जॉन्डस होता है वन कॉन्जुगेटेड हो सकता है, कॉन्जुगेटेड हो सकता है, तो यहाँ पर अनकॉन्जुगेटेड और नीचे कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम बिलियरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन या वायरल हेपेटाइटिस की वजह से, वायरल हेपेटाइटिस की वजह से कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड दोनों हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस या इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। इसमें होता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन काफी ज्यादा होता है, तो वो कॉन्जुगेशन वाली एबिलिटी को ओवरहेल्म कर लेता है। इसमें क्या होगा? लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? अब कहते हैं कि यहाँ पे जो यूरिन होता है वो डार्क हो जाता है ड्यू टू यूरिन यूरोबिलिनोजन। ठीक हो गया, बिकॉज यूरो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल नहीं होता, तो वो यूरिन में नहीं आ सकता। और यहाँ पे पिगमेंटेड बिलिरुबिन गॉलस्टोन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डस के अंदर क्या होता है कि ये हमारा यूजीटी एंजाइम है जिसने कॉन्जुगेशन करनी होती है, उसकी एक्टिविटी रिलेटिवली कम देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद गिल्बर्ट सिंड्रोम में क्या होती है? इसमें भी एक्टिविटी रिलेटिवली कम होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। क्लिगलर नजर वन और टू, वन में तो बिल्कुल नहीं होता, टू में थोड़ा बहुत होता है। ड्यूबन जॉनसन में क्या होगा? ओके, टू ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम में क्या होगा? बिलियरी कैनालिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है, जबकि बिलियरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन ये किस वजह से हो सकता है? पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, खासतौर पर कैंसर ऑफ हेडोपैनक्रियास हो जाएगा। क्लियर? कोलेंजियोकार्सिनोमा ऑफ क्लोनॉर्किस सिनेसेंसिस की वजह से हो सकता है। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा कॉजेज ऑफ जॉन्डस। सिर्फ कॉजेज देखनी है, बाकी इंटरप्रिटेशन को छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, लीवर तो खत्म हो गया है, नेक्स्ट हम थायराइड की तरफ आ जाते हैं। थायराइड रिलेटेड डिजीज है, वो सारे थायराइड रिलेटेड डिजीज को बता रहा है। तो हम पहले इंपॉर्टेंट इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले हाशिमोटो थायरॉइडिटिस। हाशिमोटो के अंदर क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है थायराइड ग्लैंड की, यूजुअली HLA-DR5। अभी हमने रट्टा मारा DQ2 और DQ8, इसकी वजह से सीलिक डिजीज होता है, जबकि DR5 इसकी वजह से हाशिमोटो थायरॉइडिटिस होता है। ऐसा दिस आर मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म इन रीजन जहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती। क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या, पहले हाइपरथायरॉइडिज्म होगा ड्यू टू फॉलिकल डैमेज, फिर इसके बाद हाइपरथायरॉइडिज्म होगा। और यहाँ पे दो एंटीबॉडीज होती है जिसको बोलते हैं एंटीथायरोग्लोबुलिन और एंटीथायरॉइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी। दीज आर द साइंस ऑफ थायरॉइड डैमेज होता है। अब इन्फ्लेमेशन, सॉरी, मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होगा? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विद द जर्मिनल सेंटर, नंबर टू हर्थलेस सेल जिसको इयोजिनोफिलिक मेटाप्लेजी ऑफ द सेल बोलते हैं। ओके, ये दो चीजें आपको देखने को मिलती है। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो मार्जिनल जोन लिम्फोमा हो सकता है, जिसमें आपको एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड देखने को मिलेगी। इसके बाद सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस या जिसको डी कोर्विन थायरॉइडिटिस भी कहते हैं। ये ग्रैनुलोमेटस थायरॉइडिटिस होता है, पेनफुल होता है, टेंडर थायरॉइड है विद ट्रांसिएंट हाइपरथायरॉइडिज्म है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फिर ये हाइपो की तरफ चला जाएगा। इसके बाद रीडल है, रीडल के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है और फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। फाइब्रोसिस की वजह से क्या होगा? हार्ड एज वुड नॉन टेंडर थायरॉइड ग्लैंड होगा और ये फाइब्रोसिस लोकल स्ट्रक्चर की तरफ चली जाती है और ये मिमिक करता है एनाप्लास्टिक कैंसर को। लेकिन जो पेशेंट होते हैं यंगर होते हैं और मैलिग्नेंट सेल नहीं देखने को मिलते, जबकि एनाप्लास्टिक वाला जो होता है एल्डरली पेशेंट होता है मैलिग्नेंट सेल देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि डिसफेजी और रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज दोनों करते हैं।
नेक्स्ट है थायराइड न्योप्लाज्म। तो जो थायराइड न्योप्लाज्म है डिस्टिंक्ट सोलिटरी नोड्यूल प्रोड्यूस करते हैं, नोड्यूल ज्यादातर बिनाइन होते हैं। ओके, अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्टडी करते हैं। तो अगर ज्यादा अपटेक हो रही है तो उसका मतलब हॉट ड्यूट्यूल, अगर कम अपटेक हो रही है तो कोल्ड नोड्यूल है। कोल्ड नोड्यूल एडिनोमा कार्सिनोमा में होता है, जबकि हॉट नोड्यूल होता है जबकि ग्रेविस डिजीज के नोड्यूल गोइटर में होता है। अब फोलिकुलर एडिनोमा क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर फोलिकल सराउंडिंग द फाइब्रस कैप्सूल नॉन फंक्शनल होते हैं, कभी कभार थायरॉइड हार्मोन का प्रोड्यूस कर सकते हैं। पैपिलरी कैंसर क्या होता है, पैपिलरी कैंसर ये हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर है, थायरॉइड के चार मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, पैपिलरी फॉलिकुलर मेडुलरी और एनाप्लास्टिक आ जाएगा। पैपिलरी के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा आ जाएगा हमारा, सॉरी थायरॉइड कार्सिनोमा के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन पैपिलरी आ जाएगा। इसकी जो रिस्क फैक्टर है वो आयनाइजिंग रेडिएशन, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, गोइटर आ जाएगा। ओके, मेडुलरी क्या होता है, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं, जबकि एनाप्लास्टिक वाला हाईली अग्रेसिव ट्यूमर होता है। पैपिलरी वाला बच्चों के अंदर देखने को मिलता है रेडिएशन की वजह से होता है, इसमें होता है कि पैपिली होते हैं, पैपिली लाइन पे द सेल, और जो सेल होते हैं उनके जो न्यूक्लियस ऑप्टिकली क्लियर होते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर ग्रुप आपको देखने को मिलती है, और फाइनली आपको सेमोमा बॉडी भी देखने को मिलती है। इसकी जो मेटास्टेसिस है वो सर्वाइकल लिम्फ नोड की तरफ जाती है, प्रोग्नोसिस काफी अच्छा होता है, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता है, हेमेटोजेनस सबटाइप होता है। जो फोलिकुलर कार्सिनोमा होता है इज अ मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ फोलिकल सराउंडेड बाय द फाइब्रस कैप्सूल, और यहाँ पे इन्वेजन होती है कैप्सूल की और वैस्कुलर इन्वेजन, दैट इज वाई एफएनएसिस आप डायग्नोस नहीं कर सकते, आपने कैप्सूल को माइक्रोस्कोपिकली आपने एग्जामिन करना होता है। इसके बाद मेडुलरी कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर मैलिग्नेंट न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है पैराफोलिकुलर सेल की, जो पैराफोलिकुलर सेल होती है न्यूरोएंडोक्राइन से निकले हुए होते हैं, न्यूरोएंडोक्राइन में साइनाप्टोफैसिन और क्रोमोग्रेनिन देखने को मिलता है, और ये कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, कैल्सिटोनिन की वजह से आपको हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, और इसके अलावा माइलाइडोसिस भी होती है कैंसर के अंदर। ओके, और ये जो केसेस होते हैं फैमिलियल वाले या मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लासिया टाइप ए और टाइप टू बी की वजह से होते हैं। टाइप टू ए में क्या होगा, पैराथायरॉइड एडिनोमा, और टाइप टू बी में क्या हुआ, गैंग्लियो न्यूरोमा ऑफ ओरल म्यूकोसा आ जाएगा, किस जीन की म्यूटेशन की वजह से, रेट जीन की म्यूटेशन की वजह से, और लास्ट में एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है। और थायराइड रिलेटेड डिजीज है, फॉर एग्जांपल हमारी ग्रेविस डिजीज है। ओके, ग्रेविस डिजीज को भी पढ़ लेते हैं, ऑटो एंटीबॉडी जो IgG होती है दैट स्टिमुलेट द TSH रिसेप्टर, तो उसको बोलते हैं टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी, जबकि हाशिमोटो के अंदर टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे सिंथेसिस और रिलीज ऑफ थायरॉयड हार्मोन देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म खासतौर पर वुमन और चाइल्ड बेरिंग एज 20 से लेकर 40 में देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर के तरह हाइपर थायरॉयडिज्म में डिफ्यूज गोइटर है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट TSH स्टिमुलेशन, और लास्ट में एक्सोथैलमस और पेरिटिबियल मिक्सोडिमा भी है। अब होता है कि जो फाइब्रोब्लास्ट बिहाइंड द ऑर्बिट और जो शिन के जो होते हैं वो TSH रिसेप्टर को ओवर एक्सप्रेस करना शुरू कर देते, TSH के एक्टिवेशन की वजह से ग्लाइकोसामिनोग्लाइकान की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टिन सल्फेट और हाइलुरोनिक एसिड है, इन्फ्लेमेशन फाइब्रोसिस और एडिमा की वजह से एक्सोथैलमस और पेरिटिबियल मिक्सोडिमा देखने को मिलेगा। ओके, आगे मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होगा, फोलिकस इरेगुलर होगे, स्कैलोट कोलाइड होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। लाइफ फाइंडिंग के अंदर T3 और T4 के लेवल आपको रिलेटिवली ज्यादा देखने को मिलेगा, TSH रिलेटिवली कम होगा, हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया होगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल आएगा। ट्रीटमेंट के अंदर आके बीटा ब्लॉकर, थायोमाइड और रेडियो एक्टिव आयोडीन, थायरॉइड स्टोमिक फेटल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ड्यू टू एलिवेटेड कैटेकोलामिन और एक्सेसिव हार्मोन एक्सेस ड्यू टू स्ट्रेस लाइक सर्जरी और चाइल्ड बर्थ, इसमें एरिथमिया, हाइपरथर्मिया, वॉमिटिंग विद हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। ट्रीटमेंट के अंदर प्रोपाल्थायूरेसिल, स्टीरॉइड और बीटा ब्लॉकर आ जाते हैं। इसके बाद मल्टी नोड्यूलर गोइटर है, मल्टी नोड्यूलर गोइटर के अंदर लार्ज थायराइड ग्लैंड होता है विद मल्टीपल नोड्यूल ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, यूजुअली नॉन टॉक्सिक होते हैं। ओके, लेकिन कभी कभार ये T3 T4 की प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो डिफ्यूज वाला है ये नॉन टॉक्सिक होता है। तो ये ऑलमोस्ट हमने थायराइड को रिवाइज कर लिया है। इसके बाद वो पेनक्रियाज वाला टॉपिक बता रहा है, डायबिटीज वाला। अब तो यहाँ पे दोबारा आ गया HLA-DR3, HLA-DR3 और DR4, type 1 डायबिटीज, DR5 हाशिमोटो थायरॉइडिटिस, और DQ2 और DQ8 ये हमारी होती है सीलिक डिजीज, मैंने चारों बता दिया, 3, 4, 5। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं टाइप 1 डायबिटीज में लाइटस, तो जो इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ड्यू टू ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल बाय द टी लिम्फोसाइट्स, में इन्फ्लेमेशन ऑफ आइलेट्स देखने को मिलता है जिसको इंसुलाइटस कहते हैं, HLA-DR3-DR4 की वजह से होता है। जो एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट इंसुलिन आर प्रेजेंट, विच आर द साइन ऑफ डैमेज होता है। अब क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, हाई सीरम ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, वेट लॉस, लो मसल मास और पॉलीफेजिया बिकॉज ऑफ अनअपोज्ड ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइपोलाइसिस करती है जो कि हाइपरग्लाइसीमिया को मजीद खराब कर देगा। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये क्यों होता है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया क्या कहते हैं, रीनल एबिलिटी को एक्सीड कर जाती है, यानी ग्लूकोज की अब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से ज्यादा ग्लूकोज निकल जाएगा, ऑस्मोटिक डायूरेसिस हो जाती है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, नंबर वन सीरम कीटोन्स की जो क्या हो सकती है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस हो सकती है। डायबिटिक कीटोसिडोसिस में सीरम कीटोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है बिकॉज अराइजेस विद द स्ट्रेस लाइक इन्फेक्शन की वजह से है। तो एपिनेफ्रिन क्या करती है, ग्लूकागोन के सेक्रेशन को बढ़ा देती है, इंक्रीजिंग द लाइपोलाइसिस अलोंग विद द ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब लाइपोलाइसिस की वजह से फ्री फैटी एसिड का लेवल ज्यादा होता है, लिवर को कीटोन बॉडी में कन्वर्ट कर देता है, इसकी वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया 300 से ज्यादा देखने को मिलेगा। एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, हाइपरकलीमिया होता है, कॉस्मल रिस्पायरेशन होगी पेशेंट के अंदर, डिहाइड्रेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, मेंटल स्टेट चेंज, फ्रूटी स्मेल देखने को मिलेगी ड्यू टू एसीटोन।
और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट के अंदर आपने फ्लूइड देने है, लाइक आपने पोलियूरिया की वजह से जो डिहाइड्रेशन है उसको ठीक करना है, इंसुलिन और रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, लाइक पोटेशियम है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप टू। टाइप टू में क्या होता है कि एंड ऑर्गन इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, लीडिंग अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है डायबिटीज की, और उसका इंसिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है। इसमें होता है कि शुरू में तो इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन बाद में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ बीटा सेल है। ओके, हिस्टोलॉजी के अंदर आपको माइल्ड डेपोजिशन देखने को मिल सकती है, ओबेसिटी की वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर में पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सी, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। और डायग्नोसिस कैसे करोगे, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 से ज़्यादा, फास्टिंग बैलेंस 126 और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ओके विद सीरम ग्लूकोज लेवल, तो ये भी 200 से ज़्यादा देखने को मिले 2 आवर्स आफ्टर द ग्लूकोज लोडिंग। ट्रीटमेंट के अंदर वेट लॉस आ जाता है, उसके अलावा ड्रग थेरेपी लेनी होती है, और उसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो हाइपर और स्मॉलर नॉन कीटोटिक कोमा होता है। अच्छा, ये रट्टा वाले ना, वहाँ पर जो ग्लूकोज है ना, वहाँ पर ग्लूकोज 300 है, यहाँ पर ग्लूकोज 500 है। वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एनायन गैप, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपरकैलेमिया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको हाइपोटेंशन, कोमा, लाइफ थ्रेटनिंग डायूरेसिस देखने को मिलता है, कीटोन बॉडी आपको रिलेटिवली नहीं देखने को मिलती। अब व्हाट आर द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डायबिटीज, तो नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन हो सकती है वास्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की, लाइक जो नॉन एंजाइमिक ग्लाइकोसाइलेशन है लाइक लार्ज और मीडियम साइज की, उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, और उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर डेथ हो सकती है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, जिसकी वजह से नॉन ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन करनी पड़ जाती है। ये तो था हमारा लार्ज और मीडियम साइज। अगर स्मॉल को आर्ट्रियोल्स कन्वॉल्व करें तो हाइलिन आर्ट्रियोलोसक्लेरोसिस हो सकती है, उसकी वजह से। अगर रीनल आर्ट्रियोल के अंदर है तो ग्लोमेरुलोसक्लेरोसिस है ओके। अगर इफ्रंट आर्ट्री, क्योंकि वहाँ पर इफ्रंट आर्ट्रियोल कन्वॉल्व करती है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलो हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी हो जाती है विद माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया, जो कि आगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ प्रेजेंट करता होता है, और इसमें आपको किमिल्सन विल्सन नोटिकल देखने को मिलती है। अगर हीमोग्लोबिन की एनईजी हो जाए तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होगा, जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल करता है। तो पहले तो हो गया नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन। नंबर टू, ऑस्मोटिक डैमेज। ऑस्मोटिक डैमेज करें ग्लूकोज अगर श्वान सेल में एंटर होगा तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर देगा, रेटिना के अंदर भी रेटिनोपैथी कर देगा, लेंस के अंदर भी लेंस के अंदर कैटरेक्ट कर सकता है ओके। वहाँ पे एंटर होगा, वहाँ पे एंजाइम मतलब आल्डोस रिडक्टेज जो कि सॉर्बिटल में कन्वर्ट कर देगा, सॉर्बिटल की वजह से ऑस्मोटिक इंजरी हो जाती है। तो आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इंपोर्टेंस, ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। डायबिटीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस ओके। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे एंडोक्राइनोलॉजी हो गया, थायरॉयड वाले नहीं, अभी भी फियोक्रोमोसाइटोमा, कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन डिजीज, और इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन मैन वन और मैन टू है ओके। तो मैन वन और मैन टू, मैन वन और मैन टू ये सिंड्रोम थोड़ा बता दे तो, वैसे ही जो मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप वन है, टाइप वन में आपको 3P देखने को मिलती है, पिट्यूटरी, पैनक्रियास, और इसके अलावा पैराथायरॉइडिन के कैंसर देखने को मिलते हैं। जो मैन टू ए है ओके, मैन टू ए में आपको क्या देखने को मिलता है, मेडुलरी थायरॉयड कैंसर है, फियोक्रोमोसाइटोमा, और उसके अलावा पैराथायरॉयड एडिनोमा ओके टू ए में, जबकि टू बी में पैराथायरॉयड एडिनोमा की बजाय गैंग्लियो न्यूरोमा ऑफ ओरल म्यूकोसा, ये आपको देखने को मिलता है। अब एड्रिनल मेडुला के अंदर हम ट्यूमर पड़ती है, जिसको बोलते हैं ट्यूमर ऑफ क्रोमैफिन सेल, दिस इज कॉल्ड फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा के जो क्लिनिकल फीचर होते हैं, एपिसोडिक रिलीज ऑफ कैटेकोलामिन की वजह से फॉर इंटरप्शन, इसमें आपको एपिसोडिक हाइपरटेंशन देखने को मिलती है, हेडेक, पाल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, स्वेटिंग देखने को मिलती है। इसको डायग्नोस करने के लिए आपने क्या करना है, यूरिन के अंदर, सीरम के अंदर मेटानेफ्रिन के लेवल को चेक करना, 5-हाइड्रोक्सीडोल एसिटिक एसिड के लेवल को देखना होता है। ट्रीटमेंट के अंदर एड्रिनलेक्टमी आ जाएगा ओके, ठीक हो गया। और यहाँ पे ड्रग यूज करते हैं फिनोक्सीबेंजामिन, जो कि रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर है, इसके बाद आपने बीटा ब्लॉकर यूज करनी है प्री ऑपरेटिवली। और जो फियोक्रोमोसाइटोमा रूल ऑफ 10 को फॉलो करता है, रूल ऑफ 2 फॉलो होता था हमारा मैकल डायवर्टिकुलम, रूल ऑफ 10 होता है हमारा फियोक्रोमोसाइटोमा। 10% बायलैटरल होते हैं, 10% फैमिलियल होते हैं, 10% मैलिग्नेंट होते हैं, 10% आउटसाइड द एड्रिनल मेडुला, फॉर एग्जांपल ऑर्गन ऑफ जुकर टेंडल में होते हैं, जो कि इनफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के रूट पर पड़ा हुआ होता है। जो मैलिग्नेंसी होती है वो मेटास्टैटिक रूट से या मेटास्टैटिक सबटाइप से डिफाइन होती है ओके। अभी एसोसिएटेड होता है किस मैन टू ए के साथ, मैन टू बी के साथ, वॉन हिब्बो-लिंडो सिंड्रोम के साथ, और न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 के साथ, जिसके मैंने चीजें यहां पर एक्सप्लेन की हुई है। तो ये तो हो गया हमारा फियोक्रोमोसाइटोमा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कुशिंग डिजीज़। तो कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम अच्छा ये पूरा टॉपिक ही पढ़ लेते हैं ओके। अच्छा, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर जो ACTH प्रोड्यूसिंग एडिनोमास को कुशिंग डिजीज कहते हैं। इसमें होता यह है कि जो ACTH होता है, ACTH पिट्यूटरी एडिनोमा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, वो आगे हाइपरकॉर्टिसोलिज्म करवा देगा, दिस इज कॉल्ड कुशिंग डिजीज, जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। और यहाँ पर जो हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट है, उसकी सप्रेशन देखने को मिलती है, यानी जो लो डोज डेक्सामेथासोन वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जो हाई डोज डेक्सामेथासोन वो सप्रेस कर देगा पिट्यूटरी एडिनोमा से, लेकिन वो एक्टोपिक वाले को सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइपरकॉर्टिसोलिज्म को। तो जो हाइपरकॉर्टिसोलिज्म या कुशिंग सिंड्रोम, एक्सेस कॉर्टिसोल होता है, क्लिनिकल फीचर में मसल की वीकनेस होती है विद थिन एक्सट्रीमिटी, क्योंकि जो कॉर्टिसोल है ये मसल प्रोटीन की
ब्रेक डाउन कर देता है, अमीनो एसिड की रिलीज करवा देता है फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। मून फेसिस होता है बफेलो हैम्बर ट्रंकल ओबेसिटी बिकॉज ऑफ हाई इंसुलिन ड्यू टू हाई ग्लूकोज इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फैट सेंट्रली। ठीक हो गया, तो मून फेस, बफेलो हम्प और ट्रंकल ओबेसिटी। इसके अलावा आप डोमिनल स्ट्राया देखने को मिलते हैं ड्यू टू इंपेयर कोलेजन सिंथेसिस, जिसकी वजह से स्किन की थिनिंग हो जाएगी। हाइपरटेंशन भी हो सकती है विद द हाइपोकलेमिया एंड द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बिकॉज जो हाई कॉर्टिसोल होता है ना वो आगे पेरिफेरल वेसल की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। उसके अलावा जो कॉर्टिसोल होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाला काम करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हाइपोकलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलती है। ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, इम्यून सप्रेशन भी हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, 24 आवर यूरिन कॉर्टिसोल लेवल को देखोगे, लेट नाइट स्लेवरी कॉर्टिसोल लेवल देखोगे, और इसके अलावा लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। जो लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है, ऐसा एक कॉर्टिसोल को सप्रेस कर लेगा नॉर्मल इंडिविजुअल में, लेकिन ये कुशिंग्स जो कॉर्टिसोल लाइक जो तमाम कॉजेस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम के अंदर कॉर्टिसोल को सप्रेस नहीं कर पाएगा। प्लाज्मा ACTH, इससे हम ये यूज करते हैं कि ACTH डिपेंडेंट कॉजेस को ACTH इंडिपेंडेंट कॉजेस में, यानी अगर यानी अगर ACTH इंडिपेंडेंट है तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, CT स्कैन लेना है टू लुक फॉर एड्रीनल लिगेंड। लेकिन अगर ACTH डिपेंडेंट है तो आपने हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करना है। अब हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट में क्या होगा कि पिट्यूटरी एडिनोमा वाले को तो सप्रेस कर देगा, लेकिन पिट्यूटरी जो एक्टोपिक है उसको सप्रेस नहीं कर पाएगा। एक्टोपिक में आपको हाइपरपिगमेंटेशन भी देखने को मिल सकती होती है। तो ये हमने पढ़ लिया, जो एक्टोपिक होता है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, समांसर कार्सिनोमा ऑफ लंग या कार्सिनॉइड्स से भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये तो अच्छे तरीके से देख लिया, फियोक्रोमोसाइटोमा, कुशिंग डिजीज भी हो गया, एडिसन डिजीज देख लेते हैं, लास्ट हमारा एडिसन डिजीज है। ओके, एड्रीनल इंसुफिशिएंसी। ओके, अब एड्रीनल इंसुफिशिएंसी का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ एड्रीनल हार्मोन। दो टाइप की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक है। क्रॉनिक को हम बोलते हैं एडिसन डिजीज बोलते हैं। एक्यूट के अंदर क्या होता है, वीकनेस और शॉक होता है। फॉर एग्जांपल आपने अचानक ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को विड्रॉ कर दिया, कुशिंग सिंड्रोम को ज्यादा ठीक कर दिया, या वाटर हाउस फिल्ट्रेशन सिंड्रोम। वाटर हाउस फिल्ट्रेशन सिंड्रोम में होता ही है कि जो एड्रीनल ग्लैंड उसकी हेमरेजिक नेक्रोसिस देखने को मिलती है। हेमरेजिक नेक्रोसिस ऑफ एड्रीनल ग्लैंड ड्यू टू सेप्सिस और डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, और इसका जो मेन इन्फेक्शियस एजेंट है वो निजेरिया मेनिनजाइटिस है। जो क्रॉनिक इंसफिशिएंसी होती है इसमें आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, वीकनेस, फटीग, नॉजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस देखने को मिलता है। अब जो एडिसन डिजीज है ये प्रोग्रेसिव एड्रीनल डैमेज की वजह से हो सकती है, मोस्ट कॉमनली ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन या टीबी की वजह से हो सकती है, या मेटास्टेसिस की वजह से हो सकती है। खासतौर पर लंग्स का जो कैंसर होता है एड्रीनल ग्लैंड के पास जाता होता है। जो ऑटोइम्यून एड्रीनलाइटिस होता है मे बी कैन बी अ कंपोनेंट ऑफ ऑटोइम्यून पॉलीएंडोक्राइन सिंड्रोम हो जाती है। एडिसन डिजीज में आल्सो राइज विद द पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक डिजीज, जिसको प्राइमरी ये सेकेंडरी या टर्शियरी कहते हैं। ओके, अब होता ही है कि अगर हाई ACTH है तो हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी और आपको हाइपरकलीमिया देखने को मिलेगा। ठीक हो गया कि जो ACTH है एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन को कम कर देगा, जिसका मतलब है कि प्राइमरी एड्रीनल यानी अगर एल्डोस्टेरोन कम है तो हाइपरकलीमिया हो जाएगा, और उसके रिस्पॉन्स में हाई ACTH होगा, जिसका मतलब है कि प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी है। ओके, प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि प्राइमरी एड्रीनल जो सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं उनमें पिगमेंटेशन नहीं होती, यानी उसमें क्या हो सकता है इंसफिशिएंसी के अंदर आपको लो ACTH देखने को मिल सकता है या नॉर्मल पोटेशियम देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया, अब लैक ऑफ ACTH रिस्पॉन्स विद मेटारोपोन स्टिमुलेशन टेस्ट है, यानी अगर आपने ACTH रिस्पॉन्स नहीं हो रहा मेटारोपोन की वजह से तो उसका मतलब है सेकेंडरी टर्शियरी है। ACTH रिस्पॉन्स विद CRH स्टिमुलेशन टेस्ट है तो उसका मतलब है कि हाइपोथैलेमिक या टर्शियरी डिजीज आ चुकी है। ट्रीटमेंट के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड आ जाती है। ऑलमोस्ट ये हो गया है हमारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किडनी की तरफ, किडनी में नफ्रोटिक बताया हुआ है, नफ्राइटिक बताया हुआ है, विम्स ट्यूमर, रीनल कार्सिनोमा, एक्यूट किडनी डिजीज और यूरोलिथियासिस। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही हो गया, क्या छोड़ा इन्होंने। ओके, स्टार्ट करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, ऐसे ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर जिसमें आपको 3.5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन वीरिया देखने को मिलेगा, हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया होगा, हाइपो गैमा ग्लोबुलिनेमिया होगा, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, हाइपर लिपिड्यूरिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, हाइपर लिपिड्यूरिया, हाइपर लिपिडीमिया देखने को मिलती है। अब इसके अंदर मिनिमल चेंज डिजीज बच्चों के अंदर होती है, एडियोपैथिक होती है, हॉजकी लिम्फोमा की वजह से हो सकती है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर नॉर्मल ग्लोमेरुलस होती है, लेकिन आपको लिपिड देखने को मिल सकता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में इफेसमेंट ऑफ प्रोसेस हो सकता है, नो इम्यून कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है, दैट मींस कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड कर जाती है। सिलेक्टिव का मतलब है लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन ओनली। नेक्स्ट फोकस सेगमेंट ग्लोमेरुलोसक्लेरोसिस, फोकस सेगमेंट ग्लोमेरुलोसक्लेरोसिस ये आपको HIV हीरोइन यूज की वजह से या सिकल सेल डिजीज की वजह से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे फोकल यानी कुछ ग्लोमेरुलस की या सेगमेंटल यानी ग्लोमेरुलस की भी स्पेसिफिक पार्ट की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है। फेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस वन सेकंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर, नो इम्यून कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, लेकिन स्टीरॉइड को रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाएगा। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन द कॉकेशियन एडल्ट आ जाएगा। एडियोपैथी के लिए हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से हो सकता है, सॉलिड ट्यूमर SLE ड्रग्स की वजह से हो सकता है।
क्लियर। इसमें जो डिफ्यूज थिकनिंग हो सकती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप, और इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन होता है तो आपको ग्रेनुलर इम्यूनो फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको सब एपिथेलियल डेपोजिट देखने को मिलेगा विद स्पाइक एंड डूम अपीयरेंस ऑन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये भी क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ प्रोग्रेस कर जाएगा। इसके बाद मेम्ब्रेन प्रोलिफेरेटिव, इसमें आपको थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस होगी। ओके, इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन की वजह से होता है मेम्ब्रेन प्रोलिफेरेटिव को दो में डिवाइड करते हैं टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में सब एंडोथेलियल होता है हेपेटाइटिस बी वायरस और सी वायरस की वजह से ऊपर वाला मेम्ब्रेन की वजह से, और टाइप 2 वाला डेंस डिजीज़ में इंट्रा मेम्ब्रेनस होता है। क्लियर, C3 नेफ्रेटिक फैक्टर की वजह से होता है, लाइक जो है ऐसी ऑटो एंटीबॉडी है जो कि क्या करती है C3 कन्वर्टेज को स्टेबलाइज कर देती है, जिसकी वजह से ओवर एक्टिवेशन होती है कॉम्प्लीमेंट की और लेवल ऑफ C3 डाउन हो जाता है, और ये भी क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ चला जाता है। इसके बाद डायबिटीज मेलिटस है, डायबिटीज मेलिटस क्या करती है नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन करती है वैस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से हाइली आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, इफ्रंट आर्टेरियो को इन्वॉल्व करेगा जिसकी वजह से हाई GFR हो जाएगा, और हाई फिल्ट्रेशन की वजह से माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया हो जाएगा और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ चला जाएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, मेसेंचियम की स्क्लेरोसिस होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ विल्सन विल्सन नोड्यूल, और एस इनहिबिटर हम यूज करते हैं टू कंट्रोल द हाइपर फिल्ट्रेशन इंड्यूस्ड डैमेज। लास्ट में सिस्टेमिक माइलॉइडोसिस है, तो इसमें माइलॉइड डेपोजिशन हो जाती है मेसेंचियम, और कैसे बचानोगे कॉन्को स्टेरिंग से आपको एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेस देखने को मिलती है अंडर द पोलराइज लाइट। नेक्स्ट हमारा नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या होता है, ऐसे ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर जो कि ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन या ब्लीडिंग की वजह से हो सकती है, जबकि ये वाले प्रोटीन यूरिया की वजह से होते थे। तो इसमें लिमिटेड प्रोटीन यूरिया 3.5 से कम होगा, ओलिगो यूरिया होगा, एजोटीमिया होगा, हाइपरटेंशन होगी, पेरियोर्बिटल एडिमा होगा, आरबीसी कास्ट और डिसमॉर्फिक आरबीसी इन द यूरिन होगी, हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड बोन ग्लोमेरुलस देखने को मिलेगा। जो इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन होती है वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है, C5a न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करता होता है। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो एग्जांपल है वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, जो कि ग्रुप है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और ये 5 से 15 साल वाले में देखने को मिलेगा। नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन की वजह से होता है, 2 से 3 हफ्ते के बाद आपको कोला कलर्ड यूरिन देखने को मिलता है जिसको हिमाचुरिया कहते हैं, ओलिगो यूरिया, हाइपर टेंशन, पेरियोर्बिटल एडिमा होता है, हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलस होता है, लाइट माइक्रोस्कोप है, इम्यूनो फ्लोरेसेंस कराओ तो आपको ग्रेनुलर पैटर्न देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर सब एपिथेलियल हम्स देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट सपोर्टिव होता है, 1% जो होते हैं चिल्ड्रन वो रीनल फेलियर की तरफ जाते हैं, जो एडल्ट होते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस को एग्जिबिट करते हैं। इसके बाद रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, ओके, तो ये वो डिजीज है जो कि बहुत जल्दी रीनल फेलियर करा देगा। इसमें आपको क्रिसेंट देखने को मिलते हैं वुमेन स्पेस ऑफ ग्लोमेरुलस ऑन द लाइट माइक्रोस्कोप, जो क्रिसेंट होते हैं वो फिब्रिन मैक्रोफेजेस पैराटस पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है उनके अंदर। अब इसकी डिफरेंट टाइप होती है, लाइक अगर लीनियर पैटर्न हो तो ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 और ये टाइप 3 होता है। टाइप 1 की एग्जांपल गुड पास्चर है, टाइप 2 की एग्जांपल है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या डिफ्यूज वाली आ जाती है। ओके, ठीक हो गया। डिफ्यूज के अंदर क्या होता है कि डिफ्यूज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है, सब एंडोथेलियल की वजह से होती है, जबकि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल वाला हमारा होता है सब एपिथेलियल हम्स बनाता है। ठीक हो गया। ओके, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल डिजीज इन द SLE, यानी SLE में आपको डिफ्यूज देखने को मिलती है, और नेगेटिव में आपको वेजिनल देखने को मिलता है, वेजिनल CNK की वजह से होता है, माइक्रोस्कोपिक पोलिनजाइटिस और चुर्क-स्ट्रास सिंड्रोम PNK की वजह से होता है। क्लियर। IgA नेफ्रोपैथी जिसको हम बर्जर डिजीज कहते हैं, बर्जर डिजीज में क्या होता है कि IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन होती है द मेसेंचियम ऑफ ग्लोमेरुलस। ओके, तो इसमें हिमाचुरिया देखने को मिलेगा विद RBC कास्ट, खासतौर पर म्यूकोसल इन्फेक्शन के बाद, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बात, क्योंकि IgA की प्रोडक्शन इन्फेक्शन में बढ़ जाती होती है। ओके, ठीक है, और ये रीनल फेलियर की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है। लास्ट में एल्पोर्ट सिंड्रोम, एल्पोर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि आपको थिनिंग और स्प्लिटिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, आइसोलेटेड हिमाचुरिया, सेंसरी हियरिंग लॉस और ऑक्युलर डिस्टर्बेंस भी इसके अंदर आ सकती होती है। तो नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक को हमने एक मरतबा थोड़ा सा देख लिया, इसके बाद कैंसर वगैरह देख लेते हैं। ओके, और कैंसर है हमारा एक्यूट किडनी डिजीज है, एक्यूट किडनी डिजीज को एक्यूट रीनल फेलियर भी कहते हैं, जिसमें एजोटीमिया वाला आ जाएगा। ओके, तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। जो एक्यूट रीनल फेलियर है इसका मतलब है एक्यूट सीवियर डिक्रीज इन द रीनल फंक्शन, कुछ ही दिनों के अंदर किडनी का फंक्शन बहुत तेजी से गिर जाएगा। इसमें एजोटीमिया होता है, एजोटीमिया में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा विद ओलिगो यूरिया। अब जो एजोटीमिया को 3 में डिवाइड करते हैं, इंट्रा रीनल, पीरी रीनल और पोस्ट रीनल। पीरी रीनल के अंदर डिक्रीज ब्लड फ्लो होती है किडनी की तरफ होती है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक हो गया। ओके, लेकिन जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर या इंट्रा रीनल एजोटीमिया वो कौन सा होता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में इंजरी और नेक्रोसिस होती है किसकी, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल की। अब इसमें जो नेक्रोटिक सेल होती है ट्यूब्यूल्स को प्लग कर देती है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से GFR कम हो जाती है और आपको यूरिन के अंदर ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट देखने को मिलती है। ओके, अब ट्यूब्यूल्स की तरह काम नहीं कर पा रही तो उसका मतलब है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की रीअब्सॉर्प्शन रुक जाएगी। जब रीअब्सॉर्प्शन रुक जाएगी तो ये रेशियो थोड़ी कम हो जाती है। ओके, क्लियर। सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन रुक जाएगी तो आपको ये रेशियो थोड़ी सी खराब देखने को मिलती है और यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी। अब इसकी एटियोलॉजी के बेस पर हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, स्कीमिक और नेफ्रोटॉक्सिक।
इस्कीमिक में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई रिलेटिवली कम हो जाता है, जिसकी वजह से ट्यूब्यूल की नेक्रोसिस हो जाती है और ये प्री रीनल एजोटीमिया के बाद देखने को मिलता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और आपके आ जाते हैं मेडुलरी सेगमेंट ऑफ थिक असेंडिंग लिम्बो फ्लो को फैलने, सबसे ज्यादा नुकसान वहीं पर होता है। नेफ्रोटॉक्सिक वाला टॉक्सिक एजेंट की वजह से होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉजेस के अंदर आ जाते हैं। ओके, अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड सबसे मोस्ट कॉमन हैवी मेटल में लेड आ जाएगा, मायोग्लोबिन यूरिया लाइक क्रश इंजरी या मसल को थायलिन ग्लाइकोल विद ऑक्सैलेट क्रिस्टल इन द यूरिन, रेडियो कॉन्ट्रास्ट या यूरेट की वजह से। और यूरेट क्यों होता है? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की वजह से। डेट इज वाई कि हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी से पहले हाइड्रेशन और एलोपिडिनोल देती है ताकि यूरेट इंड्यूस एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ना हो पाए। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या, ओलिगो यूरिया होगा, ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट देखने को मिलेगी, एजोटीमिया देखने को मिलेगा, हाइपरकलीमिया देखने को मिलेगा ड्यू टू डिक्रीज रीनल एक्सीडेशन विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रिवर्सिबल होता है लेकिन आपने डायलिसिस करना होता है। ठीक है, इसके बाद एक्यूट इंटरस्टीशियल नेफ्राइटिस होता है, या ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है, इन्वॉल्विंग द इंटरस्टीशियम एंड द ट्यूब्यूल, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा। फाइनली इंट्रा रीनल एजोटीमिया भी हो सकता है। कॉजेस के अंदर एनसेट आ जाएगा, पेनिसिलिन आ जाएगा और डायूरेटिक आ जाएगा। ओके, और ये देख लेना कि एनसेड है लाइक हमारे फिनेसिटिन या एस्पिरिन है, डायबिटीज़ हो गया, सिकल सेल ट्रेट या डिजीज ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, उसकी वजह से रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस हो सकता है, नेक्रोसिस ऑफ रीनल पैपिली आ जाएगा। अब हमारे कुछ ट्यूमर्स रह गए हैं, ट्यूमर से ट्यूमर स्टार्ट करते हैं। ट्यूमर एंजियोमायोलाइपोमा, एंजियोमायोलाइपोमा क्या होता है, हिमाटोमा होता है जिसमें ब्लड वेसल स्मूथ मसल एडिपोज टिश्यू होता है, ये ट्यूबरस सर्कुलोरिसिस के साथ एसोसिएटेड होता है। ट्यूबरस सर्कुलोरिसिस के अंदर आपको कार्डिक रेब्डोमायोमा भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा रीनल सेल कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा क्या होता है, मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर है राइजिंग फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल। ओके, तो ये पेशेंट प्रेजेंट करता है विद द ट्रायड ऑफ ट्रायड, इसमें क्या होता है, हिमाचूरिया होता है, पाल्पेबल मैस होता है, फ्लैंक पेन, अगर फ्लैंक पेन रिप्लेस हो जाए हाइपरटेंशन है तो उसको बोलते हैं विम्स ट्यूमर बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपको पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम भी देखने को मिलता है, लाइक एरिथ्रोपोइटिन हो गया, रनिन हो गया, PTH-RP हो गया, ओके, ACTH हो गया, और इसमें लेफ्ट साइड ग्लाइकोसिस भी होती है। ग्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर येलो मैस होगा लेकिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर क्लियर साइटोप्लाज्म होगा। अब इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो डिपेंड करती है VHL जीन के ऊपर, वॉन हिप्पो लिंडो सिंड्रोम के ऊपर, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जिसकी वजह से क्या होगा, IGF-1 की एक्सप्रेशन बढ़ जाती है, दूसरी तरफ ये HIF की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की प्रोग्रेशन को भी बढ़ा देता है। ट्यूमर हेरिडेटरी या सपोरेटिक हो सकता है, जो है सपोरेटिक होती है अपर पोल ऑफ किडनी से राइज करते होते हैं सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। हेरिडेटरी क्यों होती है, वॉन हिप्पो लिंडो सिंड्रोम की वजह से। वॉन हिप्पो लिंडो सिंड्रोम में इनएक्टिवेशन होती है VHL जीन की, जो कि 3P के ऊपर पड़ा हुआ होता है, क्लियर। और इसकी वजह से हेमेंजियोब्लास्टोमा ऑफ सेरिबेलम और RCC हो सकता है। ओके, ठीक है, विम्स ट्यूमर के बारे में बात करते हैं। मैलिग्नेंट किडनी ट्यूमर बच्चों के अंदर होता है, इसमें ब्लास्टीमा कंपोनेंट होता है, ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स होते हैं और स्ट्रोमल सेल्स होती है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है, 3 साल से बच्चों में देखने को मिलता है, लार्ज यूनिलैटरल फ्लैंक मैस होता है, हिमाचूरिया हाइपरटेंशन होता है ड्यू टू रेनिन सेक्रेशन। अब एक सपोरेटिक या फैमिलियल हो सकता है, फैमिलियल में WHR सिंड्रोम, डेनिस ड्राई सिंड्रोम और बैक विद विल्डरमैन सिंड्रोम। तो पहला WHR, तो इसमें क्या होता है, विम्स ट्यूमर एनरिडी या जेनिटल प्रॉब्लम और रिटार्डेशन होती है। डेनिस ड्रैश, डेनिस एक बंदे का नाम था, तो मेल सोडो हर्मेफ्रोडाइटिज्म हो सकता है। ओके, ठीक है, एच से हर्मेफ्रोडाइटिज्म और आर से क्या होगा, रीनल प्रॉब्लम, जिसके अंदर क्या होगा, प्रोग्रेसिव रीनल डिजीज आ जाएगा। और इसके बाद बैक विद विडमैन डिजीज, बैक विद विडमैन डिजीज में क्या होता है, आपने रट्टा मारे ना WHO, विम्स डिजीज आ जाएगा। इसके अलावा न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया आ जाएगा, इससे आपका मस्कुलर हाइमी हाइपरट्रॉफी भी आ जाती है, उससे क्या आ जाएगा, ऑर्गेनोमिकली WT2 की वजह से होता है, जो कि 11P15.5 के ऊपर पड़े हुए होते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने रीनल के क्वेश्चन कर लिया है। अभी स्टोन्स रह गए, स्टोन चार टाइप के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट या फॉस्फेट, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड और सिस्टाइन। ओके, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट और फॉस्फेट वाला होता है। ओके, इडियोपैथिक होता है लेकिन हाइपरकैल्शियूरिया, हाइपरकैल्शियमिया की वजह से हो सकता है या क्रोन डिजीज की वजह से हो सकता है। जो अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट होती है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, खासतौर पर यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटीज वल्गैरिस क्लेब्सिला की वजह से होती है। अल्कलाइन यूरिन होता है, इसकी वजह से स्टोन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ओके, जो हमारा यूरिक एसिड वाला है, यूरिक एसिड वाला रेडियो लूसेंट होता है, इसके रिस्क फैक्टर के अंदर हॉट एरिड क्लाइमेट आ गया, लो यूरिन वॉल्यूम, एसिडिक पीएच आ गया और ये गाउट के अंदर देखने को मिलती है। हाइपर यूरिसीमिया लाइक इन ल्यूकेमिया, माइलोप्रोलिफेरेटिव डिजीज के अंदर, उसमें हमने यूरिन की एलकलाइनाइजेशन करनी है। सिस्टाइन वाले किसमें देखने को मिलते हैं, सिस्टीन यूरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने तैयार कर लिया है किडनी वाले। तो अब इसके बाद है हमारी मेल जेनिटल सिस्टम वाली। तो मेल जेनिटल के अंदर क्या है, ट्यूमर्स पहले स्टार्ट करने लाइक हमारे सेगमेंटोमा वाले। तो ट्यूमर्स के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप उनको जरूर देख लेना। तो ट्यूमर को जल्दी सुपरफिशियली तैयार कर लेते हैं। तो हमारे जर्म सेल ट्यूमर, जर्म सेल ट्यूमर हमारे मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर होते हैं, 15-40 में देखने को मिलते हैं, क्रिप्टोकाइटिज्म या क्लाइनफेलिस सिंड्रोम की वजह से हो सकते हैं। इनको दो में डिवाइड करते हैं, सेमिनोमेटस नॉन सेमिनोमेटस। सेमिनोमेटस वाले ज्यादातर होते हैं, हाईली रिस्पॉन्सिव रेडियोथेरेपी होती है, मेटास्टाइज काफी देर बाद जाके करते हैं, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होता है। तो जो सेमिनोमा होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, जिसमें लार्ज सेल होता है विद क्लियर साइटोप्लाज्म और सेंट्रल
न्यूक्लियस होता है, होमोजीनियस मैस होता है, कोई हेमरेजिक नेक्रोसिस नहीं देखने को मिलती, मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर है, ओवेरियन डिस्क सर्मिनोमा को रिजेंबल करता होता है, सीजी को प्रोड्यूस करता है, गुड प्रोग्नोसिस होता है और रिस्पॉन्ड टू द रेडियोथेरेपी है, तो ये। और दूसरा इंपॉर्टेंट ट्यूमर है यॉर्क सैक, जो एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि यॉर्क सैक को रिजेंबल करता है, इसमें शुलर ड्यूबल बॉडी देखने को मिलती है और ये अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आपने डिटेल से पढ़ना है ट्यूमर्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है इसकी। इसके बाद बीपीएच है, बीपीएच क्या होता है, हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेटिक स्ट्रोमा एंड द ग्लैंड्स होती है, तो एज रिलेटेड होता है, खासतौर पर 60 के बाद देखने को मिलता है, रिलेटेड टू द डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है बाय 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो कि स्ट्रोमा सेल में पड़ा होता है, फिर आगे एंड्रोजन रिसेप्टर में जाकर बाइंड करेगा, हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल करा देगा। सेंट्रल पेरियूरल जोन के अंदर होता है, प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग एंड द स्टॉपेज ऑफ द यूरिन, इंपेयर्ड ब्लैडर एम्प्टाइंग है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर का हाइड्रोनेक्रोसिस हो सकती है, ब्लैडर डायवर्टिकुल हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया हो सकता है, पीएसए का लेवल 10 से कम होगा, उसका ट्रीटमेंट के अंदर अल्फा 1 एंटागोनिस्ट आ जाएगा लैक्टेडाइजोसिन और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर जिसमें आ जाएगा एग्जांपल फिनास्टिडाइड की। इसके बाद प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा, प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा क्या होता है, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है प्रोस्टेट की ग्लैंड की, मोस्ट कॉमन कैंसर होता है मेल्स का, क्लिनिकली साइलेंट होता है, इसका जो रिस्क फैक्टर है उसका निमोनिक है रेड, आर से रेस आ जाएगा, ए से एज आ जाएगा और डी से डाइट हाई इन द सैचुरेटेड फैटी एसिड। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा क्लिनिकली साइलेंट होता है, पेरिफेरल पोस्टीरियर जोन से निकलता होता है, यूरिन रिसेप्टर प्रोड्यूस नहीं करता होता, 50 के बाद देखने को मिलता है, स्क्रीनिंग कैसे करोगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से और पीएसए से करोगे, पीएसए अगर 10 से ज्यादा देखने को मिले तो उसका मतलब प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा होता है, और अगर 10 अगर परसेंटेज फ्री पीएसए अगर कम हो जाए तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कैंसर हो गया। प्रोस्टेटिक बायोप्सी करोगे फॉर द कंफर्मेशन या प्रेजेंस ऑफ कार्सिनोमा, तो समाल इन्वेसिव ग्लैंड होती है प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, और ग्लेडिंग के लिए लीसन ग्लेडिंग सिस्टम यूज करते हैं। जो सेपरेट होता है लंबर स्पाइन की तरफ या पेल्विस की तरफ जाता है जिसकी वजह से ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस होती है, ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस की वजह से सीरम अल्कलाइन फास्फेटेस पीएससी और प्रोस्टेटिक एसिड फास्फेटेस इसका लेवल रिलेटिवली बढ़ जाता होता है। ओके, तो जल्दी जल्दी हमने इसको रिवाइज कर लिया। इसके अलावा लोअर यूरिनरी ट्रैक के अंदर एक ट्यूमर बताया मैंने, ये बड़ा किडनी ब्लैडर का ट्यूमर भी बताया गया, तो यूरोथेलियल ट्यूमर को देख लेते हैं, ट्रांसिशनल सेल कार्सिनोमा। तो जो ट्रांसिशनल सेल कार्सिनोमा होता है इसके रिस्क फैक्टर का निमोनिक है 5C2 है, तो पी से क्या होगा, फिनास्टिडाइन ए से मारा आ जाएगा, एजोडाई आ जाएगा, एन से नफ्थानामिन आ जाएगा, C2 सिगरेट स्मोकिंग और साइक्लोफोसामाइड है। ओल्डर एडल्ट में देखने को मिलता है पेनलेस हेमाचूरिया होता है, दो पाथवे होते हैं फ्लैट और होता है हमारा पैपिलरी होता है, फ्लैट में हाई ग्रेड फ्लैट ट्यूमर होगा जो कि इन्वेट करेगा, अर्ली P53 म्यूटेशन होती है, जबकि इसमें कोई P53 म्यूटेशन नहीं होती, किसमें पैपिलरी वाले में होती है, ट्यूमर मल्टीफोकल होते हैं, रिकर हो जाते हैं जिसको फील्ड इफेक्ट कहते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वाला ये शिस्टोसोमा हेमाटोबियम की वजह से होता है, जबकि एडिनोकार्सिनोमा ये यूरेकस से निकलता होता है, सिस्टाइटिस से एक्सट्रॉफी से निकलता होता है। तो मेल को हमने देख लिया है, फीमेल जेनिटल ट्रैक में टेबल ऑफ ओवेरियन कैंसर, सर्विकल कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियल कैंसर, लियोमायोमा, सारे कैंसर को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, सेपरेट वीडियो बना के, तो आप वो वीडियो देख लेना जिसमें आपको सारा समझा देगा, ठीक है। तो सुपरफिशियली देख लेते हैं, पहले उन्होंने सर्विकल कैंसर क्या होगा, सर्विकल कैंसर क्या होता है, सर्विकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डीएनए वायरस होता है, ओके ठीक है। तो ये सर्विकल कैंसर है, सर्विकल कैंसर इन्वेसिव कैंसर है जो कि सर्विकल एपिथेलियम से निकलता होता है, 40 से लेकर 50 में देखने को मिलता है, वजाइनल ब्लीडिंग, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होती है, कि रिस्क फैक्टर्स के क्या होते हैं जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से जो रिलेटेड रिस्क फैक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर लिखे होंगे इसके रिस्क फैक्टर, यस ये रिस्क फैक्टर है इसके, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है या अर्ली एज ऑफ इंटरकोर्स है, तो ये हमारी आ जाती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की हो जाती है। इसके दो सब टाइप होती है, स्क्वेमस सेल एडिनोकार्सिनोमा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वाली होती है। और अगर ये जो ट्यूमर है ये इन्वेट करे इंटीरियर यूट्राइन वाल से ब्लैडर के अंदर, तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस और पोस्ट रीनल फेलियर करवा देते हैं। स्क्रीनिंग के लिए आपने पैप्स में यूज करना और प्रिवेंशन के लिए इम्यूनाइजेशन करनी होती है, ठीक है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर दो पाथवे से निकलता है, हाइपरप्लास्टिक और दूसरा आ जाएगा हमारा स्पोरेडिक है, हाइपरप्लास्टिक वाला जिसको टाइप 1 कहते हैं और स्पोरेडिक वाला टाइप 2 कहते हैं, ठीक है। जो हाइपरप्लास्टिक वाला ये आपको 55 से लेकर 65 जो कि 65 से लेकर 70 हमारा स्पोरेडिक वाला आ जाएगा, इसमें आपको पैपिलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सेमोमा बॉडी देखने को मिलता है, P53 की म्यूटेशन देखने को मिलती है, ठीक है, जबकि इसमें PTEN की म्यूटेशन देखने को मिलती है। और इसमें एस्ट्रोजन एक्सपोजर वाले रिस्क फैक्टर होते हैं लाइक अर्ली मिनार की लेट मेनोपॉज वगैरह, नली पैरिटी, इनफर्टिलिटी विद एंडोमेट्रियल साइकिल, ओबेसिटी आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा आउटसाइड द यूट्राइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग से बाहर पड़ा होगा, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की वजह से हो सकता है। इसके चार थ्योरी होती है, नंबर 1 रेट्रोग्रेड होती है, नंबर 2 एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेम सेल, नंबर 3 मेटाप्लास्टिक और नंबर 4 मेटास्टैटिक थ्योरी आ जाती है। डिसमेनोरिया हो सकता है, पेल्विक पेन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। ओके, इसकी जो मोस्ट कॉमन साइड है ओवरी के अंदर क्या हो सकती है, ब्राउनिश हेमरेजिक मैस क्रिएट हो जाता है जिसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। बाकी जिसके अलावा ओवरी के अलावा किस चीज को इन्वॉल्व करता है, यूट्राइन लिगामेंट को इन्वॉल्व कर सकता है, पाउच ऑफ डगलस को इन्वॉल्व करेगा, ब्लैडर वाल को इन्वॉल्व करेगा,
ग्लैंडुलर सीरोसा को, फेलोपियन ट्यूब की म्यूकोजा को, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, येलो ब्राउन गन पाउडर नोड्यूल क्रिएट कर देता है उन पेलविस वॉल, और अगर ये यूट्राइन मायोमीटर को इन्वॉल्व करे तो उसकी वजह से एडिनो मायोसिस हो सकती है। बाकी ऑलमोस्ट ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इस वाली में कैंसर वाली वीडियो में, ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी मैं सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ब्लड वाले टॉपिक की तरफ आ जाती है, ब्लड वाला। ओके, तो ब्लड के अंदर इन्होंने एक कहा है बीटा थैलेसीमिया, ओके, सिकल सेल एनीमिया, ALL। पहले हम ब्लड की बात करते हैं, RBC के बारे में बात करते हैं। थैलेसीमिया कहा है, बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, पूरा थैलेसीमिया कर लेते हैं। थैलेसीमिया क्या होता है? एनीमिया जो कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अगर ग्लोबिन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो माइक्रोसिटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। ओके, और जो कैरियर्स होते हैं थैलेसीमिया के और सिकल सेल एनीमिया की, प्लास्मोडियम फाल्सिपारम से बच जाते हैं, उसको दो में डिवाइड करते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है HbF होता है जिसमें अल्फा 2 गामा 2 होती है, HbA होता है जिसमें अल्फा 2 बीटा 2 और A2 होता है जिसमें आपको दो डेल्टा चेन देखने को मिलती है। क्लियर, ठीक है। अब हम अल्फा थैलेसीमिया की तरफ आ जाते हैं। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया में आपको जीन डिलीशन देखने को मिलती है। नॉर्मल 4 अल्फा जीन होते हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर पड़े हुए होते हैं। क्लियर, तो जो एक जीन के डिलीशन की वजह से कुछ भी नहीं होता, दो जीन की वजह से माइल्ड एनीमिया विद इंक्रीज RBC काउंट, यानी जो सिस डिलीशन है उसमें ज्यादा आपको देखने को मिलता है। सिस डिलीशन आपको एशिया में देखने को मिलती है, जबकि ट्रांस वाली अफ्रीकन अमेरिकन में देखने को मिलती है। तीन जीन के डिलीशन की वजह से सीवियर एनीमिया हो सकता है। जो बीटा चेन है वो टेट्रामर बनाना शुरू कर देते हैं, जिसको हीमोग्लोबिन एच कहते हैं, जो कि RBC को नुकसान पहुंचा देगा। हीमोग्लोबिन एच आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखने को मिलता है। जो चार जीन की डिलीशन हो जाए तो ये लीथल होती है इन यूट्रो, जिसको हाइड्रोक्सिटालिस कहते हैं, ठीक है। और गामा चेन क्या होती है? टेट्रामर बनाती है, जो कि RBC को नुकसान पहुंचा देगा। ये भी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से देखते हैं। बाकी बीटा थैलेसीमिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में HbA2, HbF और नो HbA देखने को मिलेगा। बीटा थैलेसीमिया के आगे दो होते हैं, दो बीटा चेन होते हैं जो कि 11 पे पड़े होते हैं, ठीक है, या तो एब्सेंट हो सकता है, डिमिनिश हो सकता है ड्यू टू सप्लाइसिंग म्यूटेशन, ओके, पॉइंट म्यूटेशन या सप्लाइसिंग साइट की वजह से हो सकता है। जो बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है, इसमें आपको एक जीन बिल्कुल खराब देखने को मिलता है, दूसरा ठीक होता है। इसमें आपको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया और टारगेट सेल देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको HbA स्लाइटली डिक्रीज होगा, ओके, यानी तकरीबन स्लाइटली डिक्रीज HbA और इंक्रीज HbA2 5% और HbF 2% देखने को मिलेगा। बीटा थैलेसीमिया माइनर क्या होता है? सॉरी, बीटा थैलेसीमिया मेजर बहुत सीवियर फॉर्म होती है। इसमें आपको हाई HbF देखने को मिलता है टाइम ऑफ बर्थ, जो कि प्रोटेक्टिव होता है। इसमें अनपेयर्ड अल्फा चेन होती है, उसकी प्रेसिपिटेशन होती है और RBC को नुकसान पहुंचाती थी, जिसकी वजह से इन्हें इफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होगा, एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस होना शुरू हो जाएगी, लाइक रिमूवल ऑफ सर्कुलेटिंग RBC बाय द स्प्लीन, जिसकी वजह से मैसिव एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया, की वजह से मैरो की एक्सटेंशन होती है अंदर स्कल, जिसकी वजह से रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन होगी, रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन की वजह से क्रू कट अपीयरेंस होती है, फेशियल बोन में मैरो एक्सपेंशन की वजह से चिपमैन फेस होगा, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस होगा, हेपेटोसप्लीनोमेगैली होकर प्लास्टिक क्राइसिस बढ़ना शुरू हो जाती है विद पैरोवायरस बिनाइन इन्फेक्शन। और क्रॉनिक ट्रांसफ्यूजन आपको नेसेसरी है, बिकॉज अगर क्रॉनिक ट्रांसफ्यूजन वैसे नाक अगर आपने करवाए तो उसकी वजह से सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है विद द टारगेट सेल एंड द न्यूक्लिएटेड RBC। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन होती है, सिंगल अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलती है ग्लूटामिक एसिड की वेलिन के साथ। ओके, ठीक हो गया। और ये आपको फ्रीक्वेंट डिसेंट में देखने को मिलते हैं। जो कैरियर्स होती है वो बच जाती है प्लास्मोडियम फाल्सिपारम। सिकल सेल डिजीज और एक सिकल सेल ट्रेट होता है। सिकल सेल डिजीज आपको जब देखने को मिलता है जब दो एबनॉर्मल बीटा जीन्स होते हैं, ओके, बीटा ग्लोबिन जीन होते हैं। बीटा जीन का कौन सा होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? 90% हीमोग्लोबिन एस देखने को मिलेगा RBC के अंदर। हीमोग्लोबिन एस की पॉलीमराइजेशन होती है जब डीऑक्सीजनेशन होती है, फिर आगे पॉलीमर की एग्रीगेशन देखने को मिलती है इनटू द नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं सिकलिंग होती है। तो सिकलिंग होती है वो हाइपोक्सीमिया में बढ़ती है। इसके अलावा आपको डिहाइड्रेशन और एसिडोसिस डिहाइड्रेशन और हाइपोक्सीमिया में होती है। जो हीमोग्लोबिन एफ वो प्रोटेक्ट करता होता है इसके खिलाफ, ठीक है। हीमोग्लोबिन सी में क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड लाइसिन से रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हीमोग्लोबिन सी क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। अब RBC होते हैं कंटिन्यूसली सिकल और डिसिकल होते हैं वाइल पासिंग थ्रू द माइक्रो सर्कुलेशन, और ये कॉम्प्लिकेशन कराते हैं रिलेटेड टू द RBC मेम्ब्रेन डैमेज है। फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस हो सकती है, ओके, एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस में जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है ना, वो हमारे रिमूव कर देगा RBC को, जिसकी वजह से एनीमिया होगा, जॉन्डस विद कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया हो सकता है, गॉलस्टोन हो सकता है। इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस की वजह से जो RBC जिनकी डैमेज मेम्ब्रेन है उनकी डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है, हेप्टोग्लोबिन कम हो जाएगा, टारगेट सेल देखने को मिलेंगे, मैसिव एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया। वन सेकंड, वही चीज है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है थैलेसीमिया के अंदर। जो एक्सटेंसिव सिकलिंग है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वेसोक्लुजन की, लाइक वेसोक्लुजन की वजह से डक्टिलाइटिस हो सकता है, स्वॉलन हैंड एंड फीट ड्यू टू वेसोक्लसिव इन्फेक्शन इन द बोन, ओके, इन्फेंट में होता है। ऑटोसप्लीनेक्टमी ड्यू टू दिस श्रंकन फाइब्रोटिक सप्लीन देखने को मिलती है। और जब ऑटोसप्लीनेक्टमी हो जाए तो इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इंक्रीज रिस्क ऑफ साल्मोनेला पैराटाइफी, ऑस्टियोमायलाइटिस आ जाएगा, होल जॉली बॉडी देखने को मिलती है। क्लियर,
नेक्स्ट एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम आपको विजोक्लिया देखने को मिलती है पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ये ओके इसमें चेस्ट पेन होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और लंग इन्फिल्ट्रेट है ये निमोनिया से प्रेसिपिटेट हो जाता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द अडल्ट पर्सन इसके बाद पेन क्राइसिस और रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस रिजल्ट इन ग्रॉस इमेच्योरिया प्रोटीनूरिया सिकल सर्ट्रेट जिसमें एक म्यूटेटेड और एक अबनॉर्मल जीन होता है जिसमें 50 से थोड़ा कम होता है ठीक है HBS स्लाइटली मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस होता है ठीक हो गया लेकिन रीनल मेडुला के अंदर कॉम्प्लिकेशन करा देती है सिकल सेल और टारगेट सेल आपको देखने को मिलते हैं ब्लड स्मेर के अंदर मेटाबाइसल्फाइड स्क्रीनिंग से आप देख लोगे हीमोग्लोबिन स्कोर HbA लैक्टोफोरेसिस सब कंफर्म कर लेते हो ओके इसके बाद हम चलते हैं ब्लड वाले टॉपिक के अंदर ऑलरेडी मैंने सारे को एक्सप्लेन कर दिया आप वो वीडियो देख लेना सारे कैंसर की अब ELL क्या होता है ELL में नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है ल्यूकोब्लास्ट की 20% से ज्यादा ल्यूकोब्लास्ट वाले TDT से न्यूक्लियर स्टेनिंग ऑफ पॉजिटिव रखते हैं पॉजिटिव न्यूक्लियर स्टेनिंग ऑफ TDT जो कि DNA पॉलीमरेज होता है और ये एब्सेंट होता है माइलॉइड मायोब्लास्ट के अंदर माइलोब्लास्ट के अंदर और मैच्योर लिम्फोसाइट के अंदर और ये तकरीबन आफ्टर द एज ऑफ 5 ये प्रेजेंट करता होता है इसको दो में डिवाइड करते हैं बाल टाल बाल में आपको CD10, 19 और 20 देखने को मिलता है टाल में आपको CD2 से लेकर 8 देखने को मिलता है ठीक हो गया ओके और ये थाइमस को इन्वॉल्व करता होता है या फिर बोन मैरो को इन्वॉल्व करता होता है और इसकी जो प्रोफाइलेक्सिस टू द स्क्रोटम और CSF इसका जो प्रोग्नोसिस है डिपेंड करता है कि कौन सा साइटोजेनेटिक एबनॉर्मैलिटी लाइक 12 केस है तो गुड है 9, 22 है तो बहुत खराब है जिसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं ओके इसके बाद एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में आपको माइलॉइड लीनिएज की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है ओके ये है एनियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ इमैच्योर माइलॉइड लीनिएज ऑन द बोन मैरो तो उसको बोलते हैं EML बोलते हैं अब यहाँ पर माइलोब्लास्ट देखने को मिलेगा क्रिस्टल एग्रीगेशन को ओरोड बोलते हैं ओरोड आपको M3 में देखने को मिलता है जिसको एक्यूट प्रोमाइलोसिटी कहते हैं इसमें 15-17 के देखने को मिलती है यहाँ पर ट्रांसलोकेशन होती है ओके 17 से उठ के 15 पे चला जाएगा RR की डिसरप्शन होती है जिसकी वजह से मैच्योरेशन ब्लॉक हो जाएगी मैच्योरेशन की ब्लॉक हो जाएगी तो प्री प्रोमाइलोसाइट की एक्युमुलेशन देखने को मिलती है इसके अलावा ऐसे ग्रैन्यूल होते हैं जो कि डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन को बढ़ा देते हैं ट्रीटमेंट के अंदर आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड आ जाएगा बाकी एक्यूट मोनोसाइटिक में MP19 देखने को मिलता है एक्यूट मेगाकैरियोब्लास्टिक डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है खासतौर पर बिफोर द एज ऑफ 5 ये देखने को मिलता है AML प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्लेसिया जिसको माइलोडिस्प्लासी सिंड्रोम है उसकी वजह से भी राइज कर सकता होता है बाकी हॉजकिन नॉन हॉजकिन फॉर इंटरप्शन बाकी हॉजकिन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा दिया हुआ है ओके तो हॉजकिन एंड हॉजकिन लिम्फोमा मैंने ऑलरेडी इनके पास सेपरेट वीडियो बना दी आप उसको जाके देख लेना ओके क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ ओके बाकी एक चीज़ रह गई वो है डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन वो आपको मिलेगा इस चैप्टर में से ओके डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन ये डिसमिनेटेड है तो इसमें पैथोलॉजिकल एक्टिवेशन होती है वाइड सेपरेट एक्टिवेशन होती है कोगुलेशन कैस्केड की वाइड सेपरेट माइक्रोथ्रोम्बाई बनती है उनकी वजह से स्कीमिया इन्फेक्शन हो जाएगा और प्लेटलेट की कंजप्शन की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर के कंजप्शन की वजह से ब्लीडिंग होगी खासतौर पर इंट्रावीनस साइड से और म्यूकोसल सर्फिस से यानी ब्लीडिंग फ्रॉम द बॉडी ऑरिफिस है ओके ठीक है तो ये हमेशा किसी दूसरे डिजीज की वजह से होती है फॉर एग्जांपल ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन है फॉर एग्जांपल एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग को सेप्सिस लाइक ई कोलाई या नेसियल मेनिनजाइटिस इसमें जो एंडोटॉक्सिन होती है ओके फ्रॉम द बैक्टीरियल वॉल और साइटोकाइंस लाइक TNF ये हमारे एंडोथेलियल सेल को इंड्यूस करता है टू मेक द टिश्यू फैक्टर और एंडिनोकार्सिनोमा इसमें जो म्यूसिन है वो एक्टिवेट करता है कोगुलेशन को एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया इसमें जो प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं कोगुलेशन को रैटल स्नेक पॉइजनिंग इसमें जो विनम होता है वो एक्टिवेट करता है कोगुलेशन को लेबोरेटरी के अंदर क्या देखने को मिलेगा प्लेटलेट काउंट आपको कम देखने को मिलेगा PT ओवर PT टाइम ये बढ़ जाएगा फिब्रिनोजन कम हो जाएगा फिब्रिन डाइमर टेस्ट है ओके ये कहाँ से निकलते होते हैं फिब्रिन स्प्लिट से निकलते होते हैं या स्प्लिटिंग ऑफ क्रॉस लिंक फिब्रिना लेकिन ये फिब्रिनोजन से नहीं निकलते होते ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है आपने ट्रांसफ्यूज ब्लड देना और क्रायो प्रेसिपिटेट देना है जिसमें कोगुलेशन फैक्टर हो ओके ऑलमोस्ट हो गया है कवर हमारे जो टॉपिक्स है ना हमारे लाइक जो मेजर टॉपिक्स है फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ये हमारे हो गए हैं